भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं कि वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए स्वयं भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं। एक बार श्री जयदेव गोस्वामी भगवान की प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद लिख रहे थे और अचानक उनसे एक त्रुटि हो गई और उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। हे कृष्ण, हे नाथ, हे नारायण, आह श्रीमती राधा रानी, स्मरल गरल खंडनम, मम शीरषि मंडनम, देही पद पल्लवम उदारम। एक बार श्रीमती राधा रानी के मान को भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके चरणों को अपने शीश पर धारण करते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? भला ये कैसे संभव है? स्वयं भगवान, जो कि पूरे संसार के पालनहार है, इस विश्व के संरक्षक है, भला वो किस प्रकार एक भक्त के चरणों को अपने शीश पे धारण करेंगे? हे ईश्वर, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये गलत है, मुझे ये मिटाना होगा। हे कृष्ण, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, मैं अभी कुछ भी नहीं लिख सकता। जयदेव गोस्वामी को ऐसा लगा कि उनसे कोई अपराध हो गया है और उस रात्रि वो सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उठ गए। हे प्रभु, पता नहीं मेरे स्वामी रात से बहुत विचलित हैं, पता नहीं क्या समस्या है उनकी, जल्द से जल्द उनकी समस्या हल कर दें। पद्मावती, पद्मावती। जी स्वामी। पद्मावती, कल रात्रि से ही मेरा मन बहुत विचलित है, मैं अपने आप को बहुत ही दोषी महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पद्मावती, ऐसा क्या हो गया प्रभु? वो सब मुझसे मत पूछो, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अभी मुझे गंगा स्नान को जाना है पद्मावती, और शायद गंगा स्नान के पश्चात मुझे थोड़ी शांति की अनुभूति हो। तुम मेरा गा। स्वामी गमछा लाओ। हाँ, गमछा लेकर आओ, अभी ला। मैं गमछा लेकर आओ। स्वामी ये लीजिए गमछा। ठीक है पद्मावती, तो मैं अभी स्नान करने को जाता हूँ और जब तक मैं आऊँ तुम मेरे लिए प्रसाद तैयार रखना। जी स्वामी, मैं प्रसाद तैयार रखूँगी। जयदेव गोस्वामी के स्नान करने के पश्चात ही स्वयं श्री कृष्ण जयदेव गोस्वामी बनकर आते हैं और गीत गोविंद के श्लोक को लिखते हैं और पद्मावती के हाथों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। स्मरणं गरल खंडलम, मम शिरसि मंडनम, देहि पद पल्लवम उदारम। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। पद्मावती, पद्मावती, कहाँ हो मेरी प्रिय पद्मावती? जी स्वामी, कहिए। अरे मेरी भोली पद्मावती, जाओ जाकर तेल लेकर आओ। जी स्वामी, ला रही हूँ। अति उत्तम, आनंदम, अत्यंत मनोरम। पद्मावती, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जाओ जाकर प्रसाद लेकर आओ। जी स्वामी, प्रसाद तैयार है, मैं अभी लाई। स्वामी ये लीजिए, आपका प्रसाद तैयार है। ये सारे व्यंजन, अरे वाह, शाक भी है, रसगुल्ले भी, अरे अरे रसमलाई भी है, वाह। वाह वाह, क्या प्रसाद बनाती हो तुम तो।
स्वामी, मैं तो रोज यही प्रसाद बनाती हूँ, रोज एक ही मसाला यूज करती हूँ। आज क्या आपको इसमें अद्भुत लग रहा है? नहीं पद्मावती, तुम अभी भी नहीं समझी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। जी करता है कि जिन हाथों से तुमने यह प्रसाद बनाया है उन हाथों को मैं चूम लूं। स्वामी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पद्मावती मुझे समझने का प्रयास मत करो, जाओ अब जाकर अपना प्रसाद ग्रहण करो। पद्मावती क्या हुआ स्वामी? ये तुम क्या कर रही हो पद्मावती? शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पति के प्रसाद पाने के बाद ही पत्नी प्रसाद ग्रहण करती है, भला तुम किस प्रकार मेरे खाने से पहले प्रसाद ग्रहण कर सकती हो? लेकिन स्वामी आप तो अभी आके प्रसाद लेके गए ना, मैं आपका जूठा नहीं ले रही थी। पद्मावती तुम्हारे आज उधर का वेग इतना अधिक तीव्र हो गया कि तुमने आज अपने पतिव्रता व्रत को ही भंग कर दिया। नहीं स्वामी ऐसी बात नहीं, आप आए थे और प्रसाद लेके गए, मैं आपका जूठा नहीं पा रही थी। पद्मावती मैं तो बस अभी अभी स्नान करके लौट रहा हूँ, भला मैं किस प्रकार से प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ? स्वामी ये सूर्य ये चंद्रमा सब साक्षी, आप आए और प्रसाद लिए थे, मैं आपका जूठा नहीं ले रही थी। मैंने प्रसाद ग्रहण किया? जी स्वामी आप ही आए थे। मैंने और क्या किया पद्मावती? स्वामी आप आए और ये फूल की माला भी दी मुझे, और आप कुछ लिखे भी है वहाँ पे। मैंने कुछ लिखा? क्या लिखा मैंने, क्या लिखा देख लीजिए। स्मरल गरल खंडनम देहे पद पल्लवम उधारम, इतनी सुंदर लिखावट, ये लिखावट मेरी तो हो ही नहीं सकती। ये अद्भुत लिखावट तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है। ये किस प्रकार से संभव है कि भगवान ने स्वयं मेरे लेखनी को आकर पूरा कर दिया? मैं इतना धन्य किस प्रकार हो सकता हूँ? हे कृष्ण आपकी लीला अद्भुत, हे श्री कृष्ण। पद्मावती पद्मावती स्वामी पद्मावती तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया स्वामी? पद्मावती जिस भगवान को प्रसन्न करने के लिए और जिनके दर्शन प्राप्त करने के लिए ये पूरी सृष्टि दिन रात परिश्रम करती है, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करती है, फिर भी उन्हें इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वो भगवान के दर्शन कर पाए। लेकिन आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें अपने दर्शन दिए, तुम्हारे हाथों से उन्होंने प्रसाद खाया, और इतना ही नहीं मेरे इस अधूरे श्लोक को भी भगवान ने पूरा किया। पद्मावती भगवान की इस अद्भुत लीला के लिए मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा। हम धन्य हो गए पद्मावती, हम धन्य हो गए। क्या स्वामी आप सत्य कह रहे हैं, वो श्री कृष्ण थे? मैं सत्य कह रहा हूँ पद्मावती, वो श्री कृष्ण थे, परम दयालु परम करुणामय स्वयं श्री कृष्ण थे पद्मावती। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करके पद्मावती और जयदेव गोस्वामी मूर्छित हो जाते हैं। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद हर दिन पद्मावती श्री कृष्ण के पूजा के लिए चंपक के फूलों की एक टोकरी लाकर दिया करती थी। पद्मावती मैं आज तुमसे अपने हृदय की एक बात कहना चाहता हूँ। जी स्वामी कहिए। पद्मावती एक पति कभी भी भगवान की सेवा पूर्ण रूप से नहीं कर सकता अगर उसकी पत्नी उसके कार्य में उसकी सहायता ना करे। नहीं स्वामी ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं अत्यंत धन्य हूँ पद्मावती कि तुमने सदैव मेरी सहायता की है कि मैं भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ, और आज हम लोग अपने प्रेम और भाव से उन भगवान को धन्यवाद करेंगे ताकि सदैव उनकी कृपा हम पर बनी रहे। हे कृष्ण हे नाथ कृपा कर हमारा प्रेम स्वीकार करे। हे केशवाय नमः। उस दिन पूजा के दौरान जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण को हे माधवाय नमः चंपक के फूलों के रंग में परिवर्तित होते हुए देखा। हे मधुसूदनाय नमः। हे त्रिविक्रमाय नमः। हमारे प्रेम को स्वीकार करें ईश्वर।
उस दिन पूजा के दौरान श्री जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण को चंपक के फूलों के रंग में परिवर्तित होते हुए देखा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन ये कैसे संभव है? इनका वर्ण तो गौर है और भगवान का वर्ण तो ऐसा नहीं है। हे ईश्वर, ये आपकी कैसी माया है और आप अपनी माया में मुझे उलझाए जा रहे हैं। हे श्री कृष्ण, पद्मावती, क्या मैं जो देख रहा हूँ तुम भी वही देख रही हो? जी स्वामी, मुझे भी वही दिखाई दे रहा है। तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, तुम्हें अपने दर्शन देने की मेरी तीव्र इच्छा थी। जल्द ही इस नदिया शहर में मैं सच्ची देवी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं अपने विभिन्न अवतारों के सभी भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन में व्यस्त हो जाऊंगा। जय जय। और सभी को कृष्ण प्रेम बांटूंगा। जयदेव, मैं 24 वर्ष की आयु में सन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा और उसके पश्चात नीलाचल धाम चला जाऊंगा। वहां जाने के बाद मैं परम हर्ष में आनंद में श्री गीत गोविंद का आस्वादन करूंगा। जयदेव, तुम्हारे द्वारा रचित श्री गीत गोविंद मुझे अत्यंत प्रिय है। हे नाथ, मैं धन्य हुआ आपने इस तुच्छ जीव के प्रेम को स्वीकार किया और आपने मेरे द्वारा रचित काव्य को इतना अधिक सम्मान दिया। मैं धन्य हो गया। यह नवदीप निश्चित ही एक दिव्य स्थान है। तुम अपना शरीर त्यागने के पश्चात यहाँ वापस आओगे और तुम दोनों अब नीलाचल जाओ। वहां जाकर भगवान जगन्नाथ की सेवा करो। भगवान जगन्नाथ की सेवा करने से तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पद्मावती, भगवान ने स्वयं हमें अपने दर्शन देकर हमें आज्ञा दी कि हम इस नवदीप धाम को छोड़कर नीलांचल की ओर प्रस्थान करें और वहां जाकर के भगवान की सेवा करें। लेकिन पद्मावती, मेरे मन में एक संकोच है। कैसा संकोच है स्वामी? पद्मावती, हमने इतने वर्षों तक यहाँ भगवान की सेवा की, यहाँ इतने सारे भक्तों की सेवा की, मुझे इस धाम को छोड़कर जाने में अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है। पद्मावती, क्यों स्वामी? पता नहीं पद्मावती, मुझे संकोच हो रहा है। जयदेव, तुम बिना कोई संकोच के नीलाचल जाओ और वहां जाकर मेरी आज्ञा का पालन करो। पद्मावती, मुझे लगता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं यहां से नीलांचल की ओर प्रस्थान करूं और जगन्नाथ की सेवा करूं। और मुझे एक बात की अनुभूति हो रही है पद्मावती। कैसी अनुभूति है स्वामी? इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान से श्रेष्ठ हो, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ एक चीज है पद्मावती। ऐसा क्या है स्वामी? भगवान से भी श्रेष्ठ है भगवान की आज्ञा। और भगवान ने हमें आज्ञा दी है कि हम नीलांचल की ओर प्रस्थान करें और वहां जाकर जगन्नाथ की सेवा करें। तो क्या तुम मेरे साथ चलने को सज्ज हो पद्मावती? स्वामी, मैं तो आपकी अधिकारिणी हूँ ना, तो मैं तो चलूंगी आपके साथ। तो ठीक है पद्मावती, हम भगवान जगन्नाथ की आज्ञा को सिरोधार्य कर अब नीलांचल की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन इस नीलांचल धाम को छोड़ने से पहले हम सारे वैष्णवों से अब क्षमा याचना करते हैं कि अगर हमसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो वो हमें क्षमा करे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो इसी प्रकार से जयदेव गोस्वामी और पद्मावती भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए नीलांचल धाम की ओर प्रस्थान करते हैं और अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं।